कुनिहार के क्षेत्र में तेंदुए का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जहां तेंदुआ लोगों के पशुओं को अपना शिकार बना रहा है, तो वहीं अब ये लोगों पर भी हमला कर रहा है, जिससे लोगों में तेंदुए का भय काफी बढ़ गया है। रविवार देर शाम कुनिहार के कोठी पंचायत के बनिया देवी में बाइक सवार दो युवकों पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे बाइक चालक चमनलाल निवासी बनिया देवी के माथे पर तेंदुए का पंजा लगने से चोट लग गई, जिन्हें तुरंत स्थानीय चिकित्सालय कुनिहार लाया गया, जहां उनका डॉक्टरों द्वारा उपचार करने के बाद घर भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार चमनलाल और यशपाल गांव बनिया देवी में दोनों युवक कुनिहार में व्यापारी के पास काम करते हैं और रोजमर्रा की तरह रविवार देर शाम करीब 8:20 पर वे दोनों अपने घर की ओर बाइक पर रवाना हुए, तो बनिया देवी से एक मोड़ पीछे पहाड़ी से अचानक तेंदुआ इन पर झपट पड़ा, जिससे दोनों युवक बाइक से भी गिर गए। चमनलाल के माथे पर तेंदुए ने अपने पंजे से हमला किया। वहीं स्थानीय गाँव वासियों का कहना है कि वनिया देवी गांव के आसपास तेंदुए का काफी आतंक है। पहले भी गांव के पशुओं पर तेंदुआ हमला कर चुका है। ये पहला ऐसा वाक्य देखने को कुनिहार में मिला जब किसी इंसान पर तेंदुए ने हमला किया हो, इसलिए उन्होंने वन विभाग से निवेदन किया है कि इस तेंदुए को पिंजरा लगाकर पकड़ा जाए, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। इस बारे में जब वन मंडल कुनिहार के DFO सतीश नेगी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि विभाग ऐसे स्थानों पर जहां तेंदुए का आतंक है, वहां पिंजरा लगाएगा और विभाग को हमले की रिपोर्ट देकर उचित मुआवजा भी दिया जाए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जंगली रास्तों व जंगलों में अकेले न जाएं। सोलन से अजीत की रिपोर्ट।